करने वाले हैं लाइव चैटिंग में। एक ज्योति प्रभा प्रभागर का मैसेज आया है, हेलो हाउ आर यू। और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे नीट 2019 को क्लियर कर सके बिना किसी कोचिंग के मदद से और बिना किसी टेस्ट सीरीज़ के मदद से। इस वीडियो में यही होने वाला है। और कौन सा बुक है, हेलो रोमा ठाकुर, हेलो हाय, थैंक यू सो मच आप लोग आए। ये मेरा पहला लाइव सेशन है, शायद ये आप लोगों को अच्छा लगे या ना लगे। रूपाली हाय सर, हेलो। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, लाइक ज़रूर करें, 5 लाइक हुए हैं और करीब 35 लोग देख रहे हैं। डॉक्टर लक्ष्य गर्ग, हेलो सर, हाय, थैंक यू सो मच, हेलो। आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और 1 लाख मेरे सब्सक्राइबर हैं वो आपके सब्सक्राइबर हैं। आप लोग 1 लाख हम लोग फैमिली के साथ जुड़ चुके हैं। और मेरा टारगेट ये है कि उन सारे बच्चों को उस कॉलेज तक पहुंचाना, डॉक्टर बनाना, जो मतलब कि उनको सही से गाइडेंस नहीं मिल पाता है, उनके पास बहुत पैसे की कमी होती है कि वो इतने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों के लिए मेरा एक मोटिव है कि उन बच्चों को अच्छे से किया जाए ताकि वो आगे चल के अच्छा करें और बिना पैसे के एक वो भी कोई डॉक्टर बन सकें। तो इस लेक्चर में और इस लाइव सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या प्लान होना चाहिए। और बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। कूल प्रिंस सिल, आई डोंट नो मतलब हाउ आर यू, नहीं अभी मैं एमडी नहीं कर रहा हूँ, हेलो सर। ये सारे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत बहुत थैंक यू। और 102 लोग अभी देख रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप लोग इतने मुझे चाहते हैं, बहुत बहुत थैंक यू। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि बहुत सारे मैसेज आते हैं क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम है, तो ये मैं आपको इंडिविजुअली आंसर नहीं दे पाता हूँ कि क्या क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं तो उसके आंसर्स मैं नहीं दे पाता हूँ। तो ये मैंने एक मीडियम ये तैयार किया है जिससे आप लोग आंसर दे सको। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और मैंने बहुत सारे देखा है कि क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना मैंडेटरी है क्या, मतलब कि क्या टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है क्या नीट के लिए। मेरा अगर आंसर है बिल्कुल नहीं, टेस्ट सीरीज़ और इंस्टीट्यूट मैंडेटरी नहीं होता है। अगर किसी को अब अगर सक्सेस होना है तो टेस्ट सीरीज़ आप खुद से, एक छोटा सा मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन करेंगे तो करीब आपको 2000, ये डिपेंड करता है ऑफलाइन ऑनलाइन, और अगर आप लेते हैं तो 2000 से लेके 20,000 तक, 40,000 तक टेस्ट सीरीज़ है। और आलतू फालतू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आइडियली सही नहीं है मेरे हिसाब से। और अगर आप एक 200 की बुक ले लेते हैं जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो एम्स के होते हैं या अगर नीट के होते हैं, तो वो आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसी को क्वेश्चन को आप करते जाएंगे तो आपको टॉपिक का रियलाइजेशन होने लगेगा कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, और उससे आपका बहुत सारे चीज़ इम्प्रूव हो सकता है। तो मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज़ में इतने ज़्यादा अनवांटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आइडियली सही नहीं है और आपके टाइम को काफ़ी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। थोड़ा मैसेज देख लेते हैं। शिल्पी कुमारी सर, हेलो। मुस्कान सोनी, हेलो, बहुत बहुत थैंक यू, इतने सारे लोग देख रहे हैं मुझे। अलीजा हुसैन, हाय सर, सब लोग बहुत बहुत थैंक यू। और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम उसका ट्राई करेंगे कि जवाब दे सकें। तो MTG बुक का किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि MTG बुक ज़रूरी है क्या। MTG में बहुत इसके जो आंसर होते हैं ऑथेंटिक होते हैं, तो MTG बुक मुझे ही पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, तो आप MTG बुक प्रेफर कर सकते हैं। हिमांशु शुक्ला, हाय सर, हेलो। रूमा ठाकुर, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग को बहुत बहुत बधाई क्योंकि आप लोग 1 लाख लोगों के साथ जुड़ चुके हैं और मेरा टारगेट है कि इसे बड़ा बनाया जा सके। थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम होता है इसलिए मैं टाइम टाइम से नहीं आता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। क्वेश्चन है कैंगस्टन ज्योति, देख बहुत स्क्रॉल हो रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए भी कुछ देखते हैं। आकाश पावर, हेलो सर, हेलो सबके लिए हेलो। अरिहंत सही है क्या, किसी ने पूछा है। देखिए अरिहंत तो भी ठीक ही है बट उसके आंसर कभी कभी गलत होते हैं
और टू द पॉइंट नहीं होते हैं, तो मैं थोड़ा सा रिहंत को प्रेफर नहीं करता हूँ। सर लास्ट ईयर मेरा नीट स्कोर ओनली 450 रहा, मीनाक्षी कुमारी। तो कोई बात नहीं, आपके लास्ट ईयर इतना रहा, इस बार बहुत अच्छा होगा, आप बने रहें हमारे साथ, आपको अच्छे से गाइडेंस करेंगे और बहुत ट्राई करेंगे 450 हो, 750 में, 720 का होता है 700 तक आ जाए, तो ट्राई करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि सर हम पढ़ते तो हैं बट हमारा मार्क्स इंक्रीज़ नहीं होता है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। तो देखिए, मार्क्स इंक्रीज़ करना एक टेक्निक होती है, अगर आप एक राइट वे से पढ़ोगे तो मार्क्स अपने आप इंक्रीज़ हो जाएंगे। और मार्क्स इंक्रीज़ करने का क्या होता है कि अगर हम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो प्रीवियस ईयर का, तो उससे आपको टॉपिक का रियलाइजेशन होता है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लाइक बायो की अगर बात करें हम, तो बायो में अगर आपको पता चल जाएगा कि हाँ जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट होता है, इकोलॉजी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप गो थ्रू बार बार होते हैं, तो आपको देखिए आप जितना बार रिपीटेशन करेंगे किसी थ्योरी को तो उतना ही ज़्यादा आपका फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि रिपीटेशन में क्या होता है कि आपको बहुत अच्छे से वो टॉपिक क्लियर हो जाता है, तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। थोड़ा मैसेज देख लेते हैं। प्रिंस प्रसाद सर, आप 12th का वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हो, सॉरी, क्योंकि थोड़ा आपको पता ही है टाइम का प्रॉब्लम है, ज़रूर अपलोड करूँगा, 12th हो या 11th हो या मेरे लिए सब बराबर है, और मैं चाहता हूँ कब सिलेक्शन हो। 12th में मेरे पुराने वीडियो बहुत फेमस हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, रिप्रोडक्शन है, बार बार रिपीटेशन करना, बार बार वीडियो बनाना मुझे आइडियली नहीं लगता। लोग बिजनेस के लिए बार बार करते हैं बट मेरा वो पर्पस नहीं है। तो आप पुराने मेरे वीडियो को देख सकते हैं, बहुत अच्छा है वो, और काफ़ी बायोटेक्नोलॉजी जैसे रिप्रोडक्शन काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, तो आप देख सकते हो, उसमें देख लेंगे। फिजिक्स सबसे बड़ी आफत, इतना ज़्यादा बुक है, एक मार्केट है पूरा, और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा मॉड्यूल पढ़ें, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स का मॉड्यूल होता है, टेस्ट सीरीज़ होता है, बुक्स होते हैं, तो कौन सा बुक आइडियल होता है। तो देखिए, आइडियल कुछ नहीं है, आइडियल मेरे हिसाब से एनसीईआरटी है। अगर आप एनसीईआरटी को थॉरली पढ़ते हैं तो वही आइडियल है, और एनसीईआरटी फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायो, फिज़िक्स का भी और फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो का एनसीईआरटी आप पढ़ें तो बहुत आइडियल है वो, और उसके बाद आप क्वेश्चन लगाएँ तो आप कर सकते हैं। व्हाट अबाउट थिंक अबाउट चैनल लाइक बायो मेंटर्स? देखिए, मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर सकता हूँ, अपना अपना वे है, पढ़ाने का है, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है बायो मेंटर का, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। क्योंकि मैंने अपने वीडियो में बताया है कि ज़्यादा आप इस सब चीज़ पे रहेंगे तो आपके टाइम ख़राब हो सकता है, आपका टाइम ख़राब हो सकता है, तो ट्राई करें कि एक फ़िक्स टाइम हो, और उस फिक्स टाइम पे चाहे कोई भी चैनल आपने लिया हो, चाहे मेरा हो या किसी और का हो, तो उसमें टाइम दे। आप रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करें रेदर देन वॉचिंग द वीडियो ऑन यूट्यूब। थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं, एक घंटे तक, एक से एक घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप किताब पढ़ेंगे तो ज़्यादा सक्सेसफुल है। मैं पहला यूट्यूब पे ये बोल रहा हूँ, लोग तो कहते हैं मेरी वीडियो को बार बार देखो, तो ठीक है, अपना अपना वो है। तो मेरे हिसाब से एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक होती है, चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, आपको समझाने वाला अच्छा टीचर होना चाहिए। और अगर आपको नहीं मिल पा रहा, आप बार बार चीज़ों को पढ़ते पढ़ते आप समझ पाएंगे कि क्या है वो। क्योंकि आपने सुना होगा बचपन में कहावत कि पत्थर पर भी रस्सी जो है, बार बार जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। सेम है, अगर समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, बार बार उस चीज़ को पढ़िए। तो हाँ, श्वेता पुंदीर सर, प्लीज़ टेक माय नेम। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, थोड़ा मैं मतलब नहीं पढ़ पा रहा हूँ इसलिए। आशीष कुमार सर, माई सेल्फ इज़ 24, एनीवन स्टार्ट MBBS इन दिस एज? हाँ, कोई क्यों नहीं, 24 के हैं तो कोई बात नहीं, आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर फिज़िक्स क्वेश्चन कहाँ से करें सर, प्लीज़ रिप्लाई। विश्वजीत मुकाल, फिज़िक्स के क्वेश्चंस आप MTG से कर सकते हैं और फिंगर टिप से कर सकते हैं, बायोलॉजी एट फिज़िक्स एट फिंगर टिप, और फिर उसे आप उससे वहाँ से थ्योरी, आप NCERT और SC वर्मा बहुत अच्छी बुक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अनुराग वर्मा, प्लीज़ टेल अबाउट द GE क्वेश्चन फॉर फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, इट इज़ टोटली अबाउट द NCERT, बार बार क्वेश्चन पूछेंगे, मैं NCERT बताऊँगा। अजय कौशल्या, सर बायोलॉजी के लिए कौन सा बुक फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस? MTG 32 ईयर्स प्रीवियस ईयर कर सकते हैं,
और फिंगर टिप कर सकते हैं। फिंगर टिप कैसे डाउनलोड करें, देखिए ये बुक है, डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर लक्ष्य गर्ग, आपको बुक खरीदनी पड़ेगी। इतने स्क्रॉल हो रहे हैं कि मैं पढ़नी। मनोज कुमार माझी, सर आई हैव ज्वाइंड बी फार्मा ड्यू टू द फैमिली प्रेशर, सर प्लीज़ स्क्रॉल हो गया, सॉरी, शेड्यूल प्लीज़। देखिए हर 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 व्यक्ति का टाइम टेबल अलग होता है, तो एक फिक्स हम नहीं कर सकते हैं, बट आइडियली क्या होता है कि आप एक दिन में किसी दो सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी एंड फिजिक्स। बायोलॉजी बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो थ्योरेटिकल पार्ट है, तो आपको थ्योरी में ज़्यादा टाइम देना होता है और ज़्यादा वेटेज भी है उसका, तो बायो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। पारुल, सॉरी स्क्रॉल हो रहा है ये सब। फिज़िक्स में वैरायटी के क्वेश्चन कहाँ से लाएं, देखिए वैरायटी की ज़रूरत नहीं है आपको। फिजिक्स केमिस्ट्री में पीएचडी नहीं करना है, ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है आपको, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ने की ज़रूरत है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट, मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्या करते हैं कि इतना सारा ज़्यादा पढ़ाते हैं जो आइडियली सही नहीं है, और क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं इधर उधर का, जो आइडियली सही नहीं है। तो मेरे हिसाब से इतना सही नहीं होता, आप टू द पॉइंट पढ़े तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और टू द पॉइंट मेरे हिसाब से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा मैसेज देख लेते हैं। सत्यम धुरिया, हाय सर, हेलो, लेट्स क्रैक नीट टुगेदर, सर हाउ टू क्रैक मोर क्वेश्चन इन शॉर्ट टाइम। यस, इट इज़ ड्यू टू द एनसीईआरटी, इफ यू स्टडी द एनसीईआरटी you can crack all the question in very short time, because NCERT is मतलब क्रिप्स है वो, और बहुत एक नोट्स की तरह है। तो मेरे हिसाब से बायोलॉजी enough for your channel, yes, मेरे हिसाब से तो बायोलॉजी काफ़ी है, बाकी आपकी मर्जी है। कुणाल सिन्हा, प्रणाम सर, प्रणाम। निखिल चौहान, सर आई फॉलो यू टू बुक, हाँ आप जो फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। मनीष सर, 320 प्लस बायो से कैसे स्कोर करें, एनसीईआरटी पढ़ें आपका स्कोर हो जाएगा। हाँ अभिषेक, हाउ टू रिमेंबर ऑर्गेनिक, सर ऑर्गेनिक पढ़ने, देखिए कोई भी चीज़ रिमेंबर करने का तरीका ये होता है कि बार बार पढ़ा जाए, तो आप उस चीज़ को रिमेंबर कर सकते हैं। सर डीसी पांडे कैसा है, बिल्कुल सही है, डीसी पांडे करें। मतलब देखिए वैरायटी ऑफ बुक नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, आपको बुक जो होना चाहिए एक या दो होना चाहिए, और उसी को बार बार पढ़ने से क्या होगा कि आपको उसके पेज नंबर सब चीज़ याद हो जाएगा। तो बुक का चॉइस जो होना चाहिए वो ठीक होना चाहिए और उसी को रिपीटेशन करना चाहिए, बुक बदलना नहीं चाहिए। सर केमिस्ट्री का मिथ, स्क्रॉल हो गया, सॉरी। रेशमा अतवाल, सर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर वीडियो बनाओ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर मेरी पहले से वीडियो है, आप सर्च कर सकते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन बाय डॉक्टर एस के सिंह, आपको वीडियो मिलेगी, वो बहुत अच्छी है, बहुत पॉपुलर वीडियो है, आप देख सकते हैं। कैन आई प्रिपेयर सब द ग्रेट अप, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है। आकांक्षा झा, सर केमिस्ट्री के लिए कौन सी बुक फॉलो करें, एनसीईआरटी बिल्कुल फॉलो करें, और एमसीक्यू के लिए आप फिंगर टिप और पिछले साल की वो कर सकें। बहुत सारे मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर कितना टाइम दे हर सब्जेक्ट को, बायो और केमिस्ट्री को, तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आपका जो सब्जेक्ट है वो कितना अच्छे से स्ट्रांग है। जो वीक सब्जेक्ट है उसे आप ज़्यादा टाइम दें, ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा है आपके पास। अगर आप उसको छोड़ देंगे ऐसे तो वो हमेशा वीक हो जाएगा। तो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों ही स्ट्रांग होना चाहिए, जब तक तीनों स्ट्रांग नहीं होगा तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम में। तो तीनों स्ट्रांग करने के लिए तीनों को अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। और टेस्ट सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो ऑफलाइन हो, मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि वो इतने अनवांटेड क्वेश्चन पूछते हैं जो कि आइडियली सही नहीं है, जैसे मैंने अभी बताया है। और आप उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें जो कि इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट आपके नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब नीट ओरिएंटेटेड होना बहुत ज़रूरी है, और आलतू फालतू का क्वेश्चन करना ज़रूरी नहीं है। आपको क्वेश्चन करने का मनी है तो आप बहुत सारे बुक ले सकते हैं, बहुत सारे क्या जैसे फिंगर टिप है, या आपके जो जो 30 इयर्स के क्वेश्चंस आते हैं वो देख सकते हैं,
जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं से टॉपिक रेज होता है, बाहर से कोई बनाता नहीं है। और कहते हैं कि बाहर से भी क्वेश्चन आता है, बिल्कुल बाहर से क्वेश्चन आता है, बट उसका रेशो बहुत कम होता है। अगर हम 100 में देखा जाए, 100% में तो 80% NCERT होता है, 20% बाहर होता है। और 80 में आप 70% भी अगर कर पाते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। वो 20% बाहर आएगा तो सबके लिए भी तो नहीं होगा। अभी इतना सारा आपने पढ़ लिया, मॉड्यूल पढ़ लिया अलग अलग जगह के, और आपको 80% से भी क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो ये बहुत गलत बात है। तो उस चीज़ को छोड़िए, आप 80% पे पहले फोकस कीजिए, और फिर उसके बाद 20% देखते हैं। 20% इनकेस नहीं भी होता है तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, और वो ऐसे ही सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ा मैसेज देख लेते हैं। सतीश कुमार वर्मा, सर आई डेली कंप्लीटेड 2 और 3 चैप्टर। बहुत अच्छी बात है, आप डेली कंप्लीट करते रहें और उसके बाद आप सॉल्व करते रहें MCQ। रेनू आर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच रेनू, आपके सपोर्ट से, आप लोगों के सपोर्ट से इतना सब चीज़ हो पा रहा है। और ये सारे मैसेज और ये चैनल ये आप ही लोग का है, आप लोग शेयर इतना करते हैं, लोगों का फ़ायदा पहुंचाते हैं, मेरा एम है। और आप लोग मिलके ये सब चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये सब चीज़ आप ही के लिए है। और मेरा टारगेट यही है कि उन जगह से बच्चों को सेलेक्ट किया जाए जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है। तो एक देखिए, मेरे हिसाब से पढ़ते तो सारे हैं, एक अच्छा डायरेक्शन ज़रूरी है नीट और एम्स की एंट्रेंस के एग्ज़ाम में। तो डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट, बहुत प्ले इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर अच्छा डायरेक्शन हो तो अच्छा आप कर सकते हैं। तो इसलिए आप मैं इस चैनल का मेन एम यही है कि बच्चों को एक अच्छा डायरेक्शन मिले और वहाँ से बच्चे डॉक्टर बने, क्योंकि डॉक्टर में ज़रूरी है कि आप रूरल बैकग्राउंड से आते हैं तो कुछ करने का जज्बा होता है। चलिए कुछ मैसेज देखते हैं। नीरव, बहुत स्क्रॉल हो रहा है, इतने सारे लोग देख रहे हैं। न्यू एडिशन जोन, माफ़ी चाहता हूँ। रूमा ठाकुर, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से बहुत सारे मैसेज आते हैं, इसमें 3-4 वीडियो मेरी है जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बाकी जो लेफ्ट है वो करूँगा मैं। जैसे रेप्लिकेशन मैंने बहुत अच्छे से बनाया है, आप देख सकते हैं, रेप्लिकेशन बाय डॉक्टर एसके सिंह, ट्रांसक्रिप्शन वाले वीडियो है, DNA फिंगरप्रिंटिंग वाली वीडियो है, वो देख सकते हैं फिलहाल। विनोद बालाजी, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन फिजिक्स फिजिक्स एंड न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के लिए आपको वही प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे MCQ तो आपका देखेंगे कि आपका जो मार्क्स है वो इंक्रीज होने लगेगा, क्योंकि आपका टॉपिक उससे, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन में अटक जाते हैं, उस टॉपिक को देखें, उस डेरिवेशन को देखें, तो उससे इम्प्रूवमेंट मिल सकती है। मनोज कुमार माझी, सर आई कैन क्रैक नीट बाय प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ। यस, बिल्कुल, क्यों नहीं क्रैक कर सकते हैं, बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं। मेक जो कफ क्रैकर बैड भी, पता नहीं क्या लिख रहे हैं। डॉक्टर आयान आर्या, सर NCERT के अलावा और बाहर से कौन से ज़्यादा, NCERT के अलावा आपको बाहर से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले NCERT आप कंप्लीट कर लें, फिर हम बाहर से देखते हैं, फिर अलग अलग वीडियो आएगी उसके लिए, फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हरीश कुमार, बहुत सारे स्क्रॉल हो रहा है। मन पाखुर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री NCERT ऑब्वियस है। उत्सव मल्होत्रा, सर केमिस्ट्री के लिए कैसे प्रिपेयर करें, NCERT से प्रिपेयर करें। लवप्रीत सिंह, सर डज मॉर्निंग स्टडीज आर मोर इफेक्टिव। ये डिपेंड करता है आपके कि आप कौन से समय ज़्यादा एक्टिव हैं, मॉर्निंग में या इवनिंग में। जिस टाइम आपका दिमाग अच्छे से काम करे, जिस टाइम आपका मतलब फोकस ज़्यादा रहे, या मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, या नाइट हो, उस टाइम प्रेफर कर सकते हैं। बट आइडियली और लॉजिकली देखा जाए तो मॉर्निंग आवर्स बड़ा सुटेबल होता है, बिकॉज सब लोग शांत रहते हैं, वातावरण शांत रहता है, दिमाग शांत रहता है, तो मेरे हिसाब से मॉर्निंग टाइम बेटर माना जाता है। ब्रिजेश कुमार, सर केमिस्ट्री का वीडियो बनाइए प्लीज़, केमिस्ट्री के लिए हमारे साथ एक हैं, वो वीडियो डाल रहे हैं, तो उनके साथ आप बने रहें। आशीष सर हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो वो और वीडियो डालेंगे, तो केमिस्ट्री उनसे हम मदद ले सकते हैं। सर कैन आई प्रिपेयर इन 7 मंथ, आई हैव अ 7 मंथ ओनली। बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते हैं। आइडली नीट और एम्स जो होता है 5 से 6 महीने तक का कोर्स होता है, तो 7 मंथ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा है, एक प्लान स्टडी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आलेजा हुसैन, सर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का वीडियो बनाइए प्लीज़। बिल्कुल बनेगा, थोड़ा समय दीजिए और समय के साथ होगा, क्योंकि मैं इधर उधर की चीज़ें से बात नहीं करता हूँ, टू द पॉइंट है, तो समय के साथ सारा चीज़ होगा।
प्रियंका घोष, विदाउट ट्यूशन पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। बिना ट्यूशन के आप पढ़ सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं। सर नींद बहुत आती है, नींद तो मुझे भी आती है, सबको आती है। नींद से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, आपका गोल अगर फिक्स हो तो नींद आने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे कि क्या इफ़ेक्टिव तरीका और हम ढूंढ सकते हैं जिससे हम अपने स्टडी को बेटर वे में प्रोसीड कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच आप सभी को कि आपने इतना सपोर्ट दिया, और शेयर करें इस वीडियो को, मेरे सारे वीडियो को, ताकि सबका सपना पूरा हो सके, मेरा भी सपना पूरा हो सके कि वहाँ से मैं बच्चों को सेलेक्ट करा के भेजूँ जहाँ से बच्चे कम आते हों। थैंक यू सो मच, 1 लाख आपके व्यूअर हैं, आपके सब्सक्राइबर हैं, वो आप ही के हैं, हमारे तो है नहीं, सबके हैं। तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट और लव यू सो मच, और आप सबका प्यार है, सपोर्ट है, बहुत बहुत धन्यवाद।